आप सभी को एक बार फिर प्रकृति की गोद में बसा यह जोन्हा फॉल आज हम लोग घूमने के लिए आए हैं। और घूमने के लिए आज करीब 2 बजे यहाँ पे हम लोग पहुँचे यह जोन्हा फॉल। पहुँचने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि इस जोन्हा फॉल की खूबसूरती कितना अच्छा है। तो चलिए आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जोन्हा फॉल की खूबसूरती यही है। वह फॉल का मुख्य फॉल जहाँ से पानी गिरता है। और जोन्हा फॉल जोन्हा गांव में होने के कारण इसका नाम पड़ा जोन्हा फॉल, जो रांची से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है। तो जोन्हा फॉल में राड़ू नदी का पानी राड़ू नदी यहाँ से निकलती है और राड़ू नदी का पानी इस जोन्हा के ऊंचे फॉल से गिरती है, इसीलिए इसका नाम जोन्हा फॉल पड़ा। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि जोन्हा फॉल की खूबसूरती कितनी अच्छी है। और हम लोग आए हैं आज विजयदशमी के दिन हम लोग जोन्हा फॉल घूमने के लिए आए हैं। और यह देख सकते हैं कि जोन्हा फॉल की खूबसूरती कितनी सुंदर है। और चारों ओर पहाड़ियों से घिरा यह क्षेत्र वाकई में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। जब आप यहाँ कभी भी आइएगा तो आपको सुकून और शांति देती है यह जगह। बहुत ही सीढ़ियों से चढ़ने और उतरने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और पहुँचने के बाद मैं आपको चारों ओर का व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है। जब यहाँ की पानी जब गिरते हैं तो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ये देखिए यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। और जब यहाँ से राड़ू नदी निकलती है और यह हमारे विभिन्न पंच परगना क्षेत्र में चली जाती है और यह नदी स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है। स्वर्णरेखा नदी में जब मिलती है तो वहाँ पे एक संगम है। उस संगम को श्यामनगर जगह में एक संगम है, उसी संगम पर यह नदी मिलती है। देखिए बहुत दूर दूर से या इस रोड के उस पार भी एक जगह है जहाँ से उसके रास्ते अलग हैं और जहाँ से लोग देखने के लिए आते हैं 2 रास्ते हैं। तो आप जिस रास्ते से आए वह भी रास्ता अच्छा है। और देखिए यह पानी बह के इस प्रकार से आगे चलकर समतल भूभाग होते हुए चली जाती है यह नदी। यह एक बरसाती नदी है और इस नदी की खूबसूरती बरसात में और भी ज़्यादा खतरनाक और देखने लायक होती है। चारों ओर जंगलों से घिरा होने के कारण इस आसपास के गांव की खूबसूरती और भी ज़्यादा लोग यहां पे देखने के लिए आते हैं। ये देखिए यहां का व्यू बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा। आपको इस जोन्हा फॉल को देख सकते हैं। जब शाम होती है तो इसकी खूबसूरती को देखने लायक जरूर बनता है। जोन्हा फॉल वाकई में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। बहुत दूर दूर से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के लोग अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस माह में सबसे ज़्यादा पर्यटक इस क्षेत्र में आते हैं। पर्यटकों के लिए यह झारखंड का सबसे प्रमुख जलप्रपातों में से एक जलप्रपात माना जाता है। और यहाँ की खूबसूरती की अगर बात करें तो यह खूबसूरती बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे गिरने उने का भी कोई डर खतरा नहीं होता है, लेकिन जब भी यहाँ पे आप आए तो थोड़ा संभल के, क्योंकि दुर्घटना कहीं भी हो सकती है और कहीं भी आप घायल हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको हमेशा सावधानी बरतना पड़ेगा। और मैं आपको ये देखिए फॉल का नज़ारा दिखा रहा हूँ। यह फॉल जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होती है, 2-3 दिनों तक लगातार वर्षा होती है, तो इस फॉल की खूबसूरती दुगुनी हो जाती है। देखिए आज विजयदशमी का दिन है और लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से विजिट करने के लिए आए हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उमंग है। और यहाँ पे शांत वातावरण यहाँ पे मिलता है। लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं और यहाँ सुकून सा कुछ पल गुजार के ज़रूर जाते हैं। तो हम लोग भी आए हैं और मैं आपको वहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ।
ये देखिए, ये इस साइड जंगल है और इस जंगलों के बीच में आपको सीढ़ी बनाया गया है। करीब हजारों सीढ़ी पार करने के बाद आपको यहाँ से जब उतर के आइएगा तो यह और भी ज़्यादा अच्छा और यह सुंदर हो जाता है। ये देखिए, यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए बहुत सारे लोग इतने दूर से आते हैं और समय निकाल के आते हैं, जो झारखंड के पर्यटकों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सरकार भी अगर चाहे तो इस स्पॉट को, इस जगह को और भी ज़्यादा अच्छा लुक दे के इसको और भी ज़्यादा आकर्षक और बना सकते हैं। तो उसके लिए झारखंड सरकार द्वारा यहाँ पे देखिए रोपवे का उद्घाटन किया हुआ है और ये देखिए यहाँ पे रोपवे लगा हुआ है। ये देखिए तार का कुछ हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह रोपवे बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सजाया गया है और ये देखिए यह सुदूर होते हुए वो एकदम पहाड़ी के उस पार जहाँ से यह फॉल शुरू होती है वहाँ तक आपको ये बनाया गया है। अब इसका चार्ज तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको झूलना हो तो थोड़ा सावधानी से झूल सकते हैं और इस रोपवे का भी मज़ा ले सकते हैं। तो ये देखिए यह रोपवे वाकई में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ डेंजरस भी है, सावधानी से आप उसकी यात्रा कर सकते हैं। Okay, I'm going to go to the next one.